स्टेशन के तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए आज आपको लेकर जाते हैं स्वामी विवेकानंद पिरामिड मेडिटेशन ट्रस्ट की तरफ से दो दिनों के एक ध्यान उत्सव के शुभारंभ पर पीएयू में लुधियाना में हो रहा है। और आइए देखिए कि कहां से विश्व के दिग्गज यहां पर पधारे हैं और क्या क्या होने जा रहा है, क्या क्या होगा, आपको सारा दिखाते हैं। आइए चलते हैं। मुश्किलें तो साज है मेरी जिंदगी का, उनकी लय पे नाचूंगा गाऊंगा फिर मैं ये मान के चलता हूं, ठोकरे खाता हूं पर सीना ठान के चलता हूं। हां अभाव, थैंक यू सो मच सर। पता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे करीब आती गई मेरी मंजिल, मेरा रास्ता देखकर। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। तकदीर से लड़ता जो तकदीर बदल दे इंसान, मुहैया जो खुद अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल मत खुद अपनी तकदीर बदल दे। प्रशस्ति पत्र जो हमने तैयार किया है, सभी लोग आ जाए। ये प्रोग्राम जो है वो बहुत सफल होगा, क्योंकि आज इस भारतीय दुनिया में जब लोगों के पास समय की कमी है, लोग तरह तरह की बीमारियों से परेशान हैं, मेंटल पीस जो है वो दूर होता जा रहा है, उस समय लोगों के सामने एक पुरानी सोच को नई तरीके से पेश करके ध्यान के थ्रू लोगों को दोबारा एक मेंटल पीस प्रोवाइड करने का जो एफर्ट किया जा रहा है वो बहुत ही उल्लेखनीय है। वो 5 दिन और उसके बाद जो करीब महीने भर उसका इफेक्ट रहा वो मुझे आज भी याद है। अनफॉर्चुनेटली साहब, भारती साहब, गोयल साहब, मैडम, आशु जी, पिरामिड परिवार, मैं भारती साहब का, उनकी टीम का बहुत धन्यवादी हूँ। आपने मुझे हरदम बहुत प्यार दिया, बहुत स्पीड दिया और मुझे हरदम ये लगता है कि मैं जब भी मौका लगे आपके पास मैं दौड़ के आ जाऊँ। लेकिन आज थोड़ा कमिटमेंट है मेरा दिल्ली में, इसलिए मैं जल्दी जाना चाहूँगा। अदरवाइज मेरा प्रोग्राम यही था कि मैं सारे स्पीकर्स को सुनूँ। हमारे साथ है स्वामी विवेकानंद पिरामिड मेडिटेशन सेंटर के और स्वामी विवेकानंद पिरामिड ट्रस्ट के प्रधान अनिल भारती जी, जिन्होंने पूरे विश्व में पिरामिड मेडिटेशन की क्रांति ला दी है। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। ध्यान उत्सव 2018 का बहुत ही खूबसूरत आगाज़ हो गया है। दोस्तों का बहुत साथ मिला, बहुत सहयोग मिला, सीटें पहले से आरक्षित थी, सभी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, हाल कचाकच भरा हुआ है ध्यान के जो चाहने वाले हैं उनसे। तो ये ध्यान उत्सव 2018 का यही लक्ष्य था कि गहन हो गया है तम, अब दीप रोशनी के लिए जलाना होगा, निराशा में छोए कोई मन प्राण को ज्ञान के उजालों से जगमगाना होगा, उदास होठों पे मुस्कुराहट, सूनी आंखों में दिव्य स्वप्न सजाना होगा, थके मांदे हर पथिक को अब उसके मुकाम तक पहुंचाना होगा, अपने लिए तो बहुत जी लिए अब उनको भी जीना सिखाना होगा। दोस्तों, ध्यान को घर घर तक पहुंचाना होगा, ध्यान का परचम हर घर पर फैलाना होगा, ध्यान का दीप हर देहरी पर जलाना होगा। इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस, थैंक यू सर। ममता आशु जी, हमारे साथ हैं पार्षद ममता आशु जी, जो पत्नी हैं लुधियाना के हमारे मंत्री भारत भूषण आशु जी की और बहुत अच्छी तरह से जुड़ी हुई हैं मेडिटेशन के साथ। बताइए कैसा लगा आपको आज का? सबसे पहले तो मैं विवेक भारती परिवार को नेशनल सिंपोजियम ऑन मेडिकल स्पिरिचुअलिटी के लिए आयोजित करने के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये अपनी तरह का पहला हमारे लुधियाना में नॉर्थ जोन का पिरामिड सेंटर है जहाँ पर मेडिटेशन सिखाई जाती है। और ये विवेक भारती फैमिली सिर्फ
जो यहाँ पे आते हैं उनको नहीं, जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए स्कूल कॉलेज के बच्चों के लिए भी अलग तरह से स्पेशल क्लासेस लगाती हैं, और इसके लिए हमारे भाई अनिल भारती जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं आगे भी आशा करती हूँ कि जिस कार्य से समाज के साथ ये जुड़े हुए हैं, एक नए हमारी जो नौजवान पीढ़ी है उसको नई दिशा नई सोच देने के लिए, वो आगे भी इनके ऊपर भगवान की ऐसी ही कृपा रहे। एक परिवार अनिल भैया मुझे और राशि जी को बहुत प्यार देते हैं, हर फंक्शन पे आती हूँ ये सोच के जाती हूँ, जैसे डीसी सर ने कहा कि मैंने 5 दिन किया और बहुत अच्छे अनुभव किए, पर आलसी हूँ आगे नहीं कर पाया, मैं इनसे भी बड़ी आलसी हूँ। हर बार अनिल भैया को प्रॉमिस करके जाती हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी वेडनेसडे को और मेडिटेट करती हूँ। बड़े स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड फेस्टिवल में अशोक धीर जी एक मुख्य भूमिका निभा रहे हैं अनिल भारती जी के साथ। तो धीर साहब बताइए कि ये क्या है और कैसे कैसे साधक कहां कहां से आए हैं, क्या क्या योजना है? मुझे ये बताते हुए बहुत ही हर्ष महसूस हो रहा है कि स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड की तरफ से दूसरा ध्यान उत्सव लुधियाना में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये 2 दिवसीय फुल डे जो है ये ध्यान उत्सव है, जिसमें पूरे भारत से 7 मेडिटेशन मास्टर्स यहाँ पे स्पीचेस देने आ रहे हैं, और आज इनका विधिवत उद्घाटन ADGP पंजाब श्री RN ढोके,
माननीय डीसी साहब प्रदीप अग्रवाल जी, ममता आशु जी और अनिल भारती जी के कर कमलों से यहाँ पे हुआ। अभी यहाँ पे तकरीबन 1000 जो हैं हमारे साधक पूरे भारतवर्ष से आए हैं, अलग अलग स्टेटों से आए हैं, तो उनका रहने का प्रबंध भी यहाँ पे पीएयू में पार्कर हाउस में किया गया है। और मैं बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहूँगा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को इसके बहुत बहुत सफलता के लिए। और मुझे ये लगता है जैसे एक वाशिंगटन में किसी टाइम रिसर्च हुई थी कि तकरीबन 500 लोगों ने एक जगह पे बैठ के ध्यान किया था, तो वाशिंगटन में जो क्राइम रेट बहुत कम हो गया था। जैसे हम ये महसूस करते हैं कि लुधियाना में क्राइम बहुत बढ़ रहा है, अब जब 1000 मेंबर 2 दिन मेडिटेशन करेंगे तो मुझे बहुत ही आशा है कि लुधियाना में क्राइम रेट बहुत कम हो जाएगा और लुधियाना में शांति व्यवस्था बहुत ही भरपूर बनी रहेगी। धीर साहब, एक चीज़ और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि अब तक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई और अब भी आना चाहे आज शाम तक या कल आना चाहे तो उनका आने का प्रोसीजर क्या रहेगा? जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो हमारे रिसेप्शन काउंटर पे आके मिल सकते हैं, तो मतलब दैट विल बी टोटली डिपेंडेंट ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, तो हम उनको अलाउ कर देंगे यहाँ पे आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। दर्शकों, आपने देखा कि कितना खचाखच भरा हुआ हाल। पंजाब के ADGP सिक्योरिटी RN ढोके साहब, लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर प्रदीप अग्रवाल साहब और 103 बटालियन के कमांडेंट KS माथुर साहब और साथ में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां पूरे भारत से यहां पर पहुंच चुकी हैं और फेस्टिवल ये स्टार्ट हो चुका है और कल शाम तक चलेगा। अगर आप ध्यान से प्रेम करते हैं और ध्यान करना चाहते हैं या आना चाहते हैं तो देर मत कीजिए, फटाफट उठिए और यहां पहुंचिए और आकर इस ध्यान उत्सव में शामिल होइए। फिलहाल आज के लिए आदरणीय अशोक धीर जी के साथ मैं सुखविंदर सिंह, वॉइस ऑफ एशियंस लुधियाना, नमस्कार।